अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा कजूम है और मैं ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील पहाड़पुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मेरे जो वालिद साहब हैं वो वापडा में मुलाजिम हैं और मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ हैं। मेरे इलाके में लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और मैं वो वाहिद लड़की हूँ जो अपने पूरे इलाके से यूनिवर्सिटी की तरफ आई हूँ। मैट्रिक में मेरे मार्क्स ए ग्रेड थे और एफएससी में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेरा एक ड्रीम था कि मैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाऊं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करूं और अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे ताकि मैं आगे चल के अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आफ्टर एफएससी जब मैंने अपने वालिदैन के साथ डिस्कस किया, मेरे वालिदैन ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का पता किया तो वहाँ की फ़ी बहुत ज़्यादा थी जो कि मेरे वालिदैन के लिए अनअफोर्डेबल थी और जिसको सुन के मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरे टीचर ने बताया कि आपका एडमिशन एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जहां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सकती है और उसका नाम अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट है। और मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरा बचपन का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। उस वक्त मैं इतनी खुश थी कि मैं खुशी के मारे रोने लग गई। और अगर उस टाइम मेरे पास एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई भी कॉन्टेक्ट होता तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती। मैंने अप्लाई किया और दुआएं भी मांगी कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों के बाद मेरे अब्बू को कॉल आया डाकखाने की तरफ से कि आपका कुछ आपके नाम से कोई लेटर आया हुआ है वो उठा के ले जाएं। जब अब्बू लाए वो लेटर घर तो मैंने खोला और पढ़ा और मेरी खुशी की वजह से मेरी चीख निकल गई थी। तमाम तर इलाके वालों ने अब्बू को कहा है कि यूनिवर्सिटी मत भेजो लड़की को, लड़की है और यूनिवर्सिटी और वो भी पूरे 4 साल। और इन तमाम की बातों को इग्नोर करके मेरे अब्बू ने मुझे यहाँ अल कादर यूनिवर्सिटी में भेजा है, वो भी 4 साल के लिए पढ़ने के लिए। मुझे यहाँ आके एक बात बहुत ज़्यादा जो अच्छी लगी है वो ये है कि जब स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं मतलब ड्यूरिंग क्लास या क्लास के आउटसाइड पर तो टीचर उनके साथ मिल के काम करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम है वो टीचर कर रहा है। और ये बात मुझे ना इस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी, और मैंने ये बात कभी सोची भी नहीं थी कि एक PhD लेवल के टीचर स्टूडेंट के साथ मिल के काम कर सकते हैं। मैं अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे फुल फीस स्कॉलर पर एडमिशन दिया। अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट, शुक्रिया।